सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंडे 11 अक्टूबर खास झरोखे में आपके पास खबरें लाए आज सादर जयंत। शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बैनर देख रहे हैं आप, क्या नया है? ऐसे बैनर तो सरकार से खूब दिखते हैं, पर नवरात्र के दिनों में केंद्र की सरकार यानी मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश ने मिलकर यानी योगी जी सरकार ने यह बनाया वर्ल्ड एग डे। क्या गजब की बात है, यानी अंडों को प्रोत्साहन नवरात्र के दिनों। और बात यही नहीं है, बात खास बात देखिए, साथ में लटकी हुई है एक तस्वीर महात्मा गांधी की, जो एक प्रकार से पर्याय बने हुए थे अहिंसा और शाकाहार के। अरे जिन्होंने वर्तमान में इसका बोल बजाया उनके सामने ही इसको यह बैनर चिपका दिया। क्या हम कहीं सोच हमारी इतनी विकृत हो जाती है, या नेता बनने के बाद सब भूल जाते हैं, अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, संस्कार भूल जाते हैं और सब कुछ ले दे के करने लगते हैं? क्या मनाया है, चिंतन के लिए। देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं, यही आरजू रहती है, यही भावना बातें हैं जो कहते हैं ग्रस के रूप में सुशील ने भाई और कहते हैं दुर्लमत के रूप में उन्हें उत्तम गति कल्पाई। बात कर रहे हैं कोथली से। अजब गजब संयोग रहा, इसी कोतली की धरा पर गृहस्थ अवस्था की सुशीला जो शमनेवाणी बेलगांव की थी, उन्होंने जो सात प्रतिमा धारी थी 12 जून 2015 को यहीं की शांतिगिरी में आरिका सरस्वती मती माता जी से नियम संलेखना ली थी जब वह 86 वर्ष की थी। और फिर अब कोतली में ही उन्होंने 29 जुलाई 2021 को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी उपस्थिति में यहां पर आरिका सरस्वती माता जी से उन्होंने दीक्षा ली और नाम मिल गया आरिका दुर्लभमती माता जी। और अब परीक्षण के समय अनंत चौदश को उन्होंने उपवास रखा, अगले दिन आहार नहीं ले पाई और क्षमा वाणी के दिन उन्होंने आचार्य श्री की मार्ग निर्देशन लेकर उन्होंने यम संलेखना धारण कर ली। लगातार 20 दिन की यम संलेखना बाद कहते हैं 22 दिन के उपवास, जो इतने उपवास वर्तमान में शायद किसी ने यम संलेखना बाद आज तक नहीं लिए हैं। उन्होंने कल 10 अक्टूबर को साई 4:55 पर इस धरा पर अंतिम सांस लेकर अपनी अगली गति उत्तम गति को प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी तप साधना और कहते हैं 40 पिछियों का उन्हें लगातार उपदेश मिलता रहा। कहते हैं कर्मों की निर्जरा में सारे सहभागी बने और निर्यापकत की भूमिका बनाई आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने। शाम को ही उनका विमान से फिर अंतिम संस्कार कर दिए गए। ऐसी भावना भाई कि हमें अंतिम समय में इसी तरह के जीवन की हम गति पाए। आश्विन शुक्लाष्टमी आ रही है परसों, हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। जी हाँ, अष्टमी 13 अक्टूबर, इस बार कहते हैं 10वें तीर्थंकर का, हमारे शीतलनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिवस है। वह इस पावन श्री सम्मेलन शिखर जी की विद्युत वरकूट से इसी दिन 1000 महामुनियात पूर्वान काल के अंदर एक समय के अंदर इस धरा को छोड़कर सिद्धालय पहुंच गए थे। इसी कूट से कहते हैं 18 करोड़ 42,32,42,905 मोहन मुनिराज और मोक्ष पधारे हैं। आपका तीर्थरण परिवर्तन काल 1 करोड़ सागर से कुछ कम रहा था। और कहते हैं इस टोक की निर्मल भाव से वंदना करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। बोलिए 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। देखो देखो तप की पराकाष्ठा, देखो देखिए सामायिक ध्यान में तप में लीन हो जाते हैं। यही तो दिगंबर संतों की यही चर्या हर को कहती है, हर्षित करती है, कर्मों की निर्जरा करती है। ध्यान मग्न किस जगह खड़े हैं पता नहीं, अगर एक कदम भी जरा सा हिल जाए तो क्या हो जाए, पर यही तो है तप की प्रकाष्ठा। और अब देखिए यह है आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। शिखर जी में 557 दिन की मौन साधना और 496 दिन यानी सिंह निषिद्ध व्रत के अंदर 496 दिन उपवास और 61 दिन की पारणा में कहते हैं एक प्रकार से डबल तरीके से चल रही है यह तप त्याग की साधना। धन्य है ऐसे संत जो करते हैं इस तरह की व्रत साधना। नवी सदी की तप त्याग की जैन गुफाएं, यह चित्र भेजे में अनंत राज जी ने चेन्नई से। यह हैं दो जैन गुफाएं नवी सदी की, थोंडूर गांव में जो विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी पोन्नूर से चलते हैं ना तो 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है और इस गुफाओं के आसपास 1 किलोमीटर तक केवल 4-5 जैन परिवार रहते हैं।
यहाँ दो जैन गुफाएं नवी सदी की है, जिसमें एक में पांच बेड यानी पांच तप स्थली है और दूसरे में तीन साधना स्थली है और एक के अंदर पारसनाथ प्रभु की प्रतिमा भी उखेरी हुई है। ऐसी जगह कहते हैं दक्षिण में जहां जाते हैं इस तरह की गुफाएं हमें मिलती रहती है, कईयों की तो आज भी खोज होना बाकी है। यही तो है हमारी विरासत, कहते हैं अनमोल है, और यही कारण है कि कभी जैनों की बहुत चलती थी। तीर्थों की साफ सफाई, ये आप देख रहे हैं करकला जैन ब्रिगेड जो हर रविवार को किसी ना किसी तीर्थ में जाके पूरी तरीके से सफाई करती है, संवारती है, कहती है अतीर्थों को निखारती है। ऐसी भावनाएं अगर जगह जगह हो जाएं तो कहते हैं हमारे तीर्थ अपने आप खूबसूरत चमक लगेंगे। अरे आज तो कई तीर्थ ऐसे हैं जहां कोई अभिषेक पूजा नहीं होती है, अरे झाड़ पहुंच तक नहीं होती है, और अब मजे लेते रहे नए मंदिर बनाने में। ये करकला जन्मेद है, यहां पर करकला के बाहुबली स्वामी तीर्थ के अंदर इन्होंने पूरी सफाई करके कहते हैं पूरी तरह उसको निखार दिया है। धन्य है ये ऐसी ब्रिगेड जहां हर रविवार को इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे कार्यक्रम उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में हो जाए तो कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाए। ऋषभगढ़ दिल्ली का यह मंदिर बनेगा स्वर्णमयी मंदिर कहलाएगा। अब कल रविवार 10 अक्टूबर को आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के सानिध्य में ऋषभ विहार मंदिर में गंगेरू परिवार द्वारा मूल वेदी पर आदिनाथ भगवान के पीछे के छत्र को कहते हैं एक नए रूप में छत्र को अर्पित किया गया। यह छत्र स्वर्णमयी छत्र और अब शीघ्र ही यह पूरा मंदिर स्वर्णमयी मंदिर कहलाया जाएगा। नहीं, ऐतिहासिक लाल किले के बाद यह दिल्ली का दूसरा बड़ा मंदिर बन जाएगा। कहते हैं यही यहाँ की भावना है और यही यहाँ पर संतों की प्रभावना है। हाईवे पर देखो जरा संभाल के जाना। जी हाँ, जब भी आप अपनी गाड़ी से जाते हैं हाईवे पर रास्ते में, कहते हैं जब दो नंबर की जरूरत पड़ती है तो गाड़ी रोकते हैं और चले जाते हैं वहां के बने हुए पब्लिक टॉयलेट में। पर आज आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं, कभी कभी पायलट टॉयलेट में जाने से पहले एक बार झांक कर देख लिया अंदर कौन है। देख लिया आपने, जंगल के राजा है वहां पर और वह निकल रहे हैं आपके टॉयलेट से, कहीं ऐसा ना हो जाए उनसे भिड़ंत हो जाए। दृश्य ये दिखाए आपको एक हाईवे टॉयलेट से, सावधान रहिएगा। फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड में आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र, शेयर कर लीजिएगा।